हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टेक्नो फ़ोन में जो हमारा रिंगटोन ऑन होता है, जब कॉल आता है कहीं से भी तो हमारे फ़ोन में जो रिंगटोन ऑन होता है बजने लगता है फ़ोन में, और रिंगटोन अगर ना बजे तो हम क्या करें। मान लीजिए कहीं से हमारे फ़ोन में कॉल आता है, हमारा रिंगटोन ही ना बजे और हमें पता भी ना चले कि हमारे फ़ोन में कॉल आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? ऐसे तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा फ़ोन ऐसे ही आके भी मिस हो जाएगा और हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूँ कि आपके फ़ोन में अगर कॉल आता है और रिंगटोन ऑन नहीं होता है तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन में। टेक्नो का फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो, आप इस सेटिंग को करते हैं तो आपके फ़ोन में जो रिंगटोन नहीं ऑन होता है कॉल आने पर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा ही लाता रहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज की ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। तो सर ये स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, साउंड सेटिंग में। तो आप डायरेक्टली साउंड सेटिंग में जा सकते हैं सेटिंग ऐप से, या फिर आप जैसे वॉल्यूम बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा और आपको नीचे में एक आइकन दिखेगा, आपको यहाँ से टैप करके साउंड सेटिंग में चले जाना है। और आप इस तरह से साउंड सेटिंग में आ जाते हो तो आपको सबसे पहले जो सेटिंग करना है वो ये है कि आपका जो रिंग वॉल्यूम दिख रहा होगा ये पूरा तरह से ऐसे कम होगा। अगर ऐसा होगा तो आपके फ़ोन में कभी भी कॉल आने पर रिंग नहीं होगा। पर कुछ लोगों का क्या होता है कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, वो किसी और तरह का प्रॉब्लम होता है। तो उसको किस तरह से सही कर सकते हैं चलिए उस पर भी बात कर लेते। तो आपको इस रिंग वॉल्यूम को सबसे पहले अप कर देना है, आपको इसको मैक्सिमम रखना है। ऐसे करके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको एक और सेटिंग को करना है जिसको आपको रिंग टोन, आपको फ़ोन रिंग टोन दिख रहा होगा सिम वन सिम टू। तो आपको सबसे पहले रिंग टोन पर टैप करना है, फ़ोन रिंग टोन फर्स्ट पर। और यहाँ पर आप एक गलती करते हैं कि यहाँ पर कभी कभी आप नॉन का ऑप्शन है यहाँ पर टैप करके ओके कर देते हैं, तो इस तरह से आपके फ़ोन में जो रिंग वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होता है और यहाँ से आपका फ़ोन रिंग टोन नॉन होता है, जिसके कारण आपके फ़ोन में जब भी कॉल आते हैं तो आपको रिंगटोन नहीं सुनाई देता है और आपका फ़ोन ऐसे ही मिस हो जाता है। तो आपको इसको क्या करना है, नॉन है तो आपको कुछ और ही रिंगटोन को सिलेक्ट करके ऑन कर देना है। मान लीजिए यहाँ से कोई भी एक रिंगटोन को सिलेक्ट करते हैं और ऑन कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो हमारा फ़ोन आने का समय हमारा रिंगटोन होगा। वैसा ही फ़ोन रिंगटोन टू में भी आपको भी कर लेना है, फ़ोन रिंगटोन टू में आपको किसी एक को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। अगर आप नॉन करके रखते हैं तो आप यहीं पर, बहुत सारे लोगों का यही गलती होती है कि वो नॉन कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में रिंगटोन ऑन नहीं हो रहा है। इतना करने के बाद आपके फ़ोन में अगर रिंगटोन सही नहीं हो रहा है तो आपको एक और सेटिंग है जो करने के बाद आपके फ़ोन में कॉल आने पर रिंगटोन नहीं ऑन होता है तो वो सही हो जाएगा। तो चलिए उस सेटिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले सिस्टम में जाना पड़ेगा, सिस्टम आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको रीसेट ऑप्शन एक दिख रहा होगा, रीसेट ऑप्शन में जाना है। आप डायरेक्टली रीसेट ऑप्शन भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से रीसेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर रीसेट ऑल सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में। रीसेट ऑल सिस्टम सेटिंग पर टैप कर रहे हैं और यहाँ से रीसेट सेटिंग करके, और यहाँ से आपको अपना पैटर्न दे देना है और रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके आपको रीसेट कर लेना है। जैसे ही आप कर लेते हैं तब आप अपने फ़ोन का रिंगटोन सेटिंग चेक कीजिए, आप अपने कॉल कीजिए अपने फ़ोन पर और रिंगटोन ऑन नहीं हो रहा है तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे सेटिंग करने के बाद आपके फ़ोन में अगर ऑन नहीं होता है, लेकिन इस सब से हो जाएगा, आपके फ़ोन में कॉल सेटिंग सही हो जाएगा। तो आप इस सेटिंग को कर देख लीजिए, सही हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो आशा करते हुए वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए